तो पहले मेरे प्रेस वाले वीरां दा बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि तुसी साडी गल आवाम तक लोगों तक सरकार तक पहुँचाने सो मैं अज जिहड़ा पंजाब सरकार ने गन्ने का रेट अनाउंस किया है उसके संबंध साडी हुण मीटिंग सी सवेर की और असी सारिआं ने एकमत हो के ये सानू लग्या कि जिहड़ा सरकार ने 11 रुपए रेट वाधा किया है वह साडे नाल धोखा है क्योंकि जिस दिन मोर्चा चुकाया सी जलंधर तो सानू सरकार ने सीएम साहब ने बकायदा कहा कि हरियाणा ने 14 पाए ने जो अंदर उन्होंने पूछा जो कहते वध होएगा कि वध कितना होएगा उन्होंने कहा भी 14 पाए ने हरियाणा ने असी उस तो प्लस करके पावांगे असी उम्मीद करते सी भी 400 प्लस जाएगा साडा रेट सो दे मुताबिक साडा रेट बहुत घट है। एक ये छोटी जी गल मैं होर ऐड करदा भी बड़ा नुकसान है साडा क्योंकि 7 नवंबर तो मिलां चल रही ने यमुनानगर जगाधरी दियां और तकरीबन 15 दिन पहले तो चल रही यूपी दियां ये अनाउंस भी घट किया तो किया भी लेट है साडा 35 से 40 हज़ार किले का नुकसान होना है जदों लोहड़ी नूं लेबरां चलिया जाणियां सो असीं समझदे हां कि सीएम साहब जिहड़े कहिंदे ने बार बार भी बहुत वड्डा मैं करता भारत च सब तो मैं वध रेट करता तो यह भी सीएम साहब नूं समझ लैणा चाहीदा कि भारत च सब तो लेट भी तुसीं ओ कीता ते नुकसान भी सब तो वध तुसीं ओ करना किसान का सो इस करके सानूं जिहड़ा 11 रुपए वाधा रेट जिहड़ा ये सानूं मंजूर नहीं असी आप जी राही अपील करते हैं कि जिहड़ी कल एक तो यह उन्होंने कहा ट्वीट ये किया रस्मी इहदा ऐलान कल उन्होंने क्या होना है तो रस्मी जिहड़ा ऐलान करना वह वधा के कर और तुरंत इहदा नोटिफिकेशन जारी कर ताकि मिलना चालू हो सकन फिर ही असी मन्नांगे भी ये सीएम साहब ने कोई रेट वाधा किया ये सानूं नहीं कबूल। मैं हुण अगली जिहड़ी बेनती है वह मैं करांगा भी जंगवीर साडे जिहड़े चौहान जी आ उन्हां तों शुरू करदे सारी साथे बोलणगे जंगवीर चौहान जी असी थोड़ी ये कुशागू साहबान साढ़े आए ने 32 जथेबंदियां दे कुशागू साहबान थोड़ी देर साढ़े नाल संपर्क सारे आ रहे हैं कुछ मीटिंग असी करांगे अपने जिहड़े साडे लोकल किसान ने साडे साडा कीडर है उन्हां नाल मीटिंग करांगे अगली रणनीति असी जिहड़ी आ कल नोटिफिकेशन तो बाद ही दस सकते हैं कि सरकार कल कुछ वाधा कर दे तो फिर तो ठीक है नहीं तो फिर कल दे जिहड़ा नोटिफिकेशन है उस तो बाद की रणनीति होगी उसके वास्ते तुरंत मीटिंग सद के फिर असीं इक सवाल है कि मीटिंग भी बड़ी हुई है ते मीटिंग च भी की गलबात हुई कि आश्वासन ने कि तुसीं बाहर आए सीगे हां साडी मीटिंग होई सी 24 तारीख नूं जदों धरना साडा जलंधर दा चल रिहा सीगा ते सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई पहले तो ट्वीट किया उन्होंने 2 दिन पहला भई जी मेरे दरवा द्वार खुले ने और उस द्वार तो बाद खुले कहण तो बाद साडे नाल मीटिंग रखी जदों असीं मीटिंग च गए हां तो मीटिंग दे विच फिर सीएम साहब ने उत्थे यह भी कहा भी तुसीं धरने कोई हल नहीं साडे पास आया करो पर फिर तुसीं यह भी वेखो उस मीटिंग दे विच सीएम साहब ने सानूं कहा 28 तरीक नूं मैं अनाउंस कर देंगा सैशन शुरू होने पर 28 नूं अनाउंस नहीं किया फिर मैं समझदा वह मीटिंग का मतलब तो उत्थे ही खत्म हो गया वह मीटिंग की अहमियत रही हो ही नहीं जदों सीएम साहब की अपनी जबान की अहमियत नहीं रही। एक सवाल है सारिआं नूं कि क्या यह जो ऐलान उस दिन मीटिंग हुई है तुम्हें सिर्फ धरना चुका वास्ते कहा गया से क्योंकि सीएम साहब का एक नाल ट्वीट यह भी सगा कि दोबारा कोई तेरे धरने से बैठने वाला बंदा नहीं रहेगा क्योंकि जो आए हो आए किसान जगवीर सिंह उन्होंने विरोध भी किया लगता है सिर्फ वो एक धरना चुका सिर्फ एक टैक्टिस ही जो हूँ 11 रुपए का जो सगन का ट्वीट होया फिर देखो ये हमेशा सरकार धोखा कर दी आई ने पर असी यह समझते जी भी सीएम की जी गल है वो कोई गरिमा है वो कुर्सी की कोई गरिमा है उसकी कुर्सी की कोई स्टेटस है पर उन्होंने उन्होंने कायम नहीं रखा ये मैं समझदा भी असी तो उन्होंने भरोसे से चक लिया जो उन्होंने कहा भी 14 रुपए हरियाणा ने पाए ने मैं तो वध प्लस करके पावांगा असी आशा की चलो सानू लगभग साडा जिहड़ा आ वो रेट 400 प्लस जाएगा पर मैं ये गल कहांगा ये तुहाडी गल जिहड़ा सवाल है उहदे विच ये जवाब बिल्कुल ठीक है ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 300 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 11 3300 ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ
आ सकते ने, क्यों नहीं आ सकते? लोकतंत्र अधिकार है सेटअप टेस्ट करना, उन्होंने सानू कौन रोक सकता?